हाय यू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शीरिन फातिमा ब्लॉग्स। तो आज मैं काफ़ी दिनों बाद में अपना ये फुल व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, तो आप लोग ये वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा और इसमें काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स हो सकती हैं और ज़्यादा अच्छे से शूट भी नहीं हुआ हो, क्या पता। क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद, लाइक ऑलमोस्ट 1.5 मंथ के बाद में मैं व्लॉग कर रही हूँ, तो आप लोग देख लीजिए। और आगे से जो कंटिन्यू मैं काफ़ी अच्छे व्लॉग बनाने की स्टार्ट करूँगी और वीडियो भी बनाऊँगी, जो आप लोग मुझे सजेस्ट कर रहे हो उस पर मैं न्यू वीडियो भी अपलोड करूँगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट थिंग ये है कि मैं झांसी गई थी 2 दिन पहले, तो उसकी मैंने क्लिप्स ली हैं। तो चलो फिर मैं वीडियो उस वहाँ से स्टार्ट करते हैं, मैं कैसे वहाँ गई और फिर क्या हुआ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। या आप व्लॉग लोग को व्लॉग को एंजॉय कीजिए। और मैंने इतने दिनों से व्लॉग क्यों नहीं बनाया या कोई वीडियो क्यों नहीं शूट की, इसका रीज़न जो है वो मैंने बीच में आपको दिया है, तो वो आप ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। क्योंकि सब बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप लोगों ने मैं कि शीरिन आप वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो, तो उसका रीज़न भी उसमें है, तो आप लोग वहाँ से चेक कर लीजिएगा। और चलिए तो फिर आप व्लॉग इंजॉय कीजिए। तो यहाँ मैं आ गई हूँ अपनी बस में, जिससे मुझे झांसी पहुँचना था, और टाइम करीब हो रहा था 3, 3:30 दोपहर में, और मैं वहाँ पे निकल गई। मौसम कुछ ज़्यादा गर्म नहीं था तो कोई भी प्रॉब्लम भी नहीं हुई मुझे, और वहाँ से मैं निकली। और थोड़ी ही देर में, लाइक 1.5-2 घंटे में मैं वहाँ झांसी पहुँच गई। तो मेरी वहाँ पे ना बुआ रहती हैं, आप लोगों ने मेरे पुराने व्लॉग्स देखे होंगे अगर, तो आपको पता होगा मैं कोई एग्ज़ाम देने वहाँ पर गई थी, तो मैं अपनी बुआ के यहाँ पे स्टे किया था मैंने वहाँ पर। तो बस मैं फिर वहाँ पर पहुँचने लगी हूँ, और कोई प्रॉब्लम थी नहीं मुझे, अब वहाँ से कज़िन को भी लेना था तो फिर मैं वहाँ पर पहुँची हूँ। मुझे रात को स्टे भी करना था वहाँ पर, तो फिर मैं वहाँ पर मैंने ऑटो किया, बस स्टैंड से पहुँची मैं रेलवे स्टेशन। काफ़ी उनका घर जो है वो बहुत दूर पड़ता था, तो डायरेक्ट ऑटो मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए फिर मैंने प्रेफर किया ऐसे जाना। और मैं वहाँ झांसी ऑलमोस्ट हर 3 मंथ्स में एक बार तो मैं चली ही जाती हूँ, काफ़ी ज़्यादा वहाँ आना जाना हो गया है अब तो, मुझे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम कुछ होता नहीं है, मुझे थोड़ा बहुत ज़्यादा आइडिया भी हो गया है अभी। तो फिर मैं बस वहाँ से निकली और रेलवे स्टेशन पहुँची, वहाँ से मैंने घर के लिए ऑटो किया और हाय घर फ्रेंड्स, पहुँच तो गई। अभी मैं थोड़ी देर पहले पहुंची हूँ अपनी बुआ के यहाँ पे, और फिर थोड़ा रेस्ट किया, नमाज पढ़ी, नाश्ता पानी किया है, और अभी हम लोग बस बैठे हैं। और मैं थोड़ा सा थक भी गई हूँ, और सफ़र की वजह से मुझे यहाँ पे पिंपल भी आ गया है, देखो ये तो ज़रूरी होता था आना। तो अभी मैं बस अभी बैठी हूँ, इन लोगों के साथ में बात कर रही हूँ, ये लोग तो अभी हम लोग बस बैठे हैं, फिर थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं, और बाकी फिर खाना पीना खाएंगे और चेंज करेंगे, फिर आज तो रेस्ट करेंगे, कल हम लोगों को निकलना है, तो फिर हम लोग कल निकलेंगे, और कहाँ जा रहे हैं वो आपको हम बताएंगे कल, ठीक है। तो बस हम लोग ना अभी खाना पीना खा के सब फ्री हो गए हैं, नमाज हो गई, सब कुछ हो गया है, तो अभी बस बैठेंगे थोड़ा देर, फिर रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद में सोएंगे, सुबह से हम लोगों को निकलना भी है। तो मैं और मेरी कज़िन है नौशीन, जिससे आप मिले होंगे, मैं जब झांसी आई थी लास्ट टाइम में, तो मेरे वो व्लॉग्स वहाँ पे पड़े हुए, तो प्लीज़ आप लोग ना स्क्रॉल करके वीडियोस में देखिएगा, काफ़ी अच्छे व्लॉग्स हैं वो। और वो मेरे फर्स्ट जो मैंने स्टार्टिंग में जो व्लॉग्स बनाए थे ना, तो वो वाले व्लॉग्स हैं, आप लोग ज़रूर ज़रूर से देखिएगा उनको। और चलिए तो फिर मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि मैंने इतने दिनों से मैं कहाँ थी और मैंने व्लॉग्स या कोई भी जो लॉन्ग वीडियो है ना वो क्यों नहीं बनाए, तो उसका भी एक रीज़न है। रीज़न जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं है, लोगों को स्ली भी लग सकता है कि यार क्या बोल रही है लड़की, बट रीज़न क्या है कि हमेशा ना आप एक जैसा नहीं फील करते, कभी कभी स्टडीज़ का होता है और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे मेंटल सिचुएशन होती है, कोई फिजिकल हेल्थ होती है, तो मुझे ना थोड़ा सा वीकनेस भी हो गई थी और थोड़ा बहुत मेरा अप एंड डाउन चल रहा था फिजिकली हेल्थ की वजह से। तो मेरे साथ में क्या होता है, फिर मैं जब यूट्यूब वगैरह पे इस पे ध्यान देने लग जाती हूँ, जैसे मैं यूट्यूब रन करूँगी ठीक से, या इंस्टाग्राम के लिए रील्स वगैरह पोस्ट करूँगी, या अपने न्यूट्रिशनिस्ट के काम पर फोकस करूँगी, उनके क्लाइंट्स पर ज़्यादा ध्यान दूंगी ना, तो उसके बाद में मेरी स्टडीज़ रह जाती है, मैं स्टडी नहीं कर पाती हूँ ठीक से, और जब मैं स्टडीज़ पे ध्यान देती हूँ तो फिर मेरी जो फिज़िकल हेल्थ है वो बेकार होने लगती है, वेट गेन खुद का हो जाता है। तो
तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से बिल्कुल थोड़ा बहुत ना कभी कभी मोटिवेशन बिल्कुल डाउन चला जाता है, तो फिर मन करता है कि अभी छोड़ो यार, मैं थोड़ी देर में फिर से स्टार्ट करूँगी। तो अभी थोड़ा सा मोटिवेशन भी आया है, थोड़ा सा कंटेंट भी है, तो मैंने सोचा सो के बना लूँ, वरना तो फिर मैं वीडियो बनाना ही भूल जाऊँगी। तो इसीलिए फिर मैंने शूट करने का ट्राई किया। और अभी मेरा स्टडीज़ भी मुझे अभी इतना करना नहीं है, मैं करूँगी, रुक के करूँगी फिर बाद में। तो अब बस यही वाला रीज़न था कि मैंने वीडियो नहीं बनाया, बट मैं अभी ट्राई करूँगी, वीडियो बनाऊँगी और ब्लॉग्स भी बनाऊँगी। और आप लोग भी प्लीज़ सजेशन देना कि मैं कौन सी वीडियो बना सकती हूँ। बाकी मैं चैलेंजेस वीडियो भी बनाऊंगी, काफ़ी सारी वीडियोस मेरे पास में कंटेंट की जो लिस्ट मैंने बनाई है, काफ़ी सारी वीडियोस है उसमें, मैं धीरे 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 करके उस पर वर्क करूंगी। तो अभी बस मुझे यही आपको रीज़न बताना था। काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे, लाइक मेरे रिलेटिव्स हैं, जितने भी मेरे कजिन्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे वेल विशर्स भी हैं कुछ, तो उन लोगों ने पूछा कि शीरन क्यों नहीं बना रहे आप वीडियोस, तो मुझे लगा कि चलो यार एक रीज़न शेयर कर देते हैं। तो मैं अभी भी फिर भी बैलेंस करने का कोशिश करूंगी कि सारी चीज़ें जो हैं वो साथ में चलें, लाइक मैं अपनी मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान रखूं थोड़ा सा, और फिजिकल हेल्थ भी देखूं, वेट को भी थोड़ा सा, मैंने जो अपना वेट पुट ऑन किया है उसको भी मुझे वेट लॉस भी करना है, तो डाइट वगैरह भी मैं करूँगी ठीक से और रूटीन भी फॉलो करूँगी। फिर उसके बाद मैं अभी काफ़ी चीज़ें हैं करने को, तो सब कुछ बैलेंस करूँगी और हर एक चीज़ को ना पॉजिटिव तरीके से रखूँगी लेकर, और तो आपके साथ में अपडेटेड भी रहूँगी और हमेशा आपके साथ में जुड़ी रहूँगी। तो अभी बस मुझे इतनी सी बात करनी थी, तो मैंने सोचा आपसे शेयर कर लें, और बाकी बातें होंगी कल। और कल मैं कहाँ जा रही हूँ ये कल बताऊँगी। तो बस हो गया है नेक्स्ट डे और हम लोग निकल गए हैं रेलवे स्टेशन के लिए। हम लोग जा रहे हैं अब हो रही तो आप लोग समझ ही गए होंगे, मेरे अम्मी का घर है तो वहाँ मैं जा रही हूँ, और वहाँ पर मैं और मेरी नौशीन जा रही हैं। फूफा जो है वो हम लोग वहाँ तक ड्रॉप करने के लिए आए थे, तो बस हम लोग ना वहाँ पर पहुँचे रेलवे स्टेशन। हम लोग जब वहाँ पर पहुँचे तो थोड़ा वेट रहता था, तो हम लोग बस वेट कर रहे थे कि ट्रेन आए, तो हम लोग जस्ट बैठे। ट्रेन जो है वो 10 से 15 मिनट जो है वो लेट थी। हाय नौशीन, वी आर जस्ट वेटिंग कि आ जाए ट्रेन यार, हम लोग बहुत जल्दी आ गए थोड़ा शायद, और ट्रेन जो है वो आउटर पे खड़ी हुई है, तो अभी क्या कर सकते हैं। नौशीन के साथ में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, और कज़िन्स के साथ में तो किसी नहीं अच्छा लगता होगा। और हम दोनों जाके ना रोज़ैन से मिलने वाले थे, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थे क्योंकि रोज़ैन को गए हुए काफ़ी लाइक 2-3 महीने हो चुके हैं उसको गए हुए, तो इसीलिए फिर हम लोग ना वहाँ पे जाने का सोचा और पहुँच गए हम लोग फटाफट से 1 घंटे में ओरई पहुँच के हम लोग ना स्टेशन पर पहुँचे। और वहाँ पर ना बस ऑटो किया, और ऑटो करने के बाद में बस जस्ट 5 मिनट लगे हम लोगों को घर तक पहुंचने में, और हम लोग बस घर पर पहुंच गए, किसी को भी परेशान नहीं किया, कुछ नहीं किया। एंड हम लोग ना अपी के घर पहुंच गए, और फिर हम लोग बस पहुंचे वहां पर, और मैं जब गई तो अप्पी ना मेरी मम्मा से बात कर रही थी, और बस उनकी भी मम्मा है ऑब्वियसली, तो वो उनसे बात कर रही थी। और फिर वहाँ पर पहुँच के ना घर पे बहुत ज़्यादा बातें हुई, खाना पीना हुआ, ये सब कुछ हुआ, मैं शूट करना भूल गई। रात को हम लोग गए वॉक पर, तो वॉक पर जा रहे थे तब अप्पी ने थोड़ा बहुत कैप्चर किया। और यहाँ पे ना बहुत सही सा एक मेडिकल कॉलेज भी है, तो वहाँ तक हम लोग जस्ट राउंड लगाने के लिए गए थे रात को, और खाना पीना होने के बाद में वॉक करने गए, और वॉक करके जस्ट घर पे वापस आ गए। तो फिर उसके बाद में ये देखो मूनलाइट, और यहाँ पे जो है वो मेरी अप्पी और जीजू कुछ तो भी अपना जो है काम कुछ डिस्कस कर रहे थे, लाइक आई डोंट नो वो कुछ तो था जो कि वो डिस्कस कर रहे थे, तो फिर मैंने देखा कि वो लोग कितना सिंसियर होकर उसको डिस्कस कर रहे हैं, तो मैंने उसको कैप्चर किया। और ये मेरे रुजैन है जो कि कंगी से खेल रहे थे, उनके साथ खेलना तो मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है, और बच्चों तो सभी को पसंद होते हैं ना। चलो उसमें बाय करो, बाय करो, मालूम कहना अल्लाह हाफिज़, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और बाय बाय, और बाय बाय, कहना लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट करके भी बताओ, कमेंट करके बताओ।
बाय बाय। और हाँ, मेरी इस वीडियो को बिना लाइक किए बगैर मत जाइएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और जिन लोगों ने भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग या नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।